हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्धमान करियर प्लेस। दिस इज आशीष। आज दे सेशन च स्टूडेंट्स गल करांगे आपां नंबर सीरीज दे टॉपिक दी। नंबर सीरीज दे अज दे टॉपिक दे विचकार जस्ट आपां डिस्कस करांगे जी कुछ क्वेश्चंस नू। ऑलरेडी नंबर सीरीज दी वीडियो जिस दे विचकार बेसिक कंसेप्ट ने मैं चैनल दे पाई हुई है, तुसी जाके देख सकते हो, जिस दे विचकार मैंने सारा बेसिक स्ट्रक्चर जिवें कि नंबर सीरीज दी टाइप्स किवें बनदियां ने या किवें टाइप्स दे क्वेश्चंस आंदे हैं, वो सारा जो डिटेल्स ने वह मैं एक वीडियो कवर की हुई है, राइट। वो जाके तुसी देख सकते हो जो कि फस्ट टाइम देख रहे हैं। अदरवाइज जिन्होंने नंबर सीरीज का टॉपिक किया हुआ है उन्होंने ये बेसिकली की रहेगा कि तुसी, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराँगा, तुसी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। नंबर सीरीज का जरा टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे तुसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दो, चाहे तुसी रेलवेज के एग्जाम दो, या तुसी बैंक के एग्जाम्स दो, राइट। उस तो इलावा स्टेट के विचकार पंजाब के अगर एग्जाम्स हैं तो कोई भी कॉम्पीटेटिव एग्जाम की तुसी तैयारी कर रहे हो तो बेसिक नंबर सीरीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। तो आज दे सेशन जस्ट आप करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसे नाल तो एक टच बनया रहेगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज दे क्वेश्चंस तो। तो पहला क्वेश्चन जरा तुम्हें मैं दे रहा हूं, मैं तुम्हें बोर्ड के उपर लिखे दांगा, तुम ट्राई करो अपने आप तो। 35, 38, 42, 47 and 53 और इस तो बात की है जी क्वेश्चन मार्क। एक बार तुसी खुद तो ट्राई करने की कोशिश करो क्वेश्चन नू, देखो इधर विचकार राइट। सब तो पहला नंबर सीरीज दे देखो विचकार तुसी करना की हुंदा है, इन्हां दा डिफरेंस अगर डिफरेंस देखा जावे की है जी 3, अगे की है जी 4, उस तो बाद की आ रहा है 5, then we have a 6, इस तो बाद की हो जाएगा जी 7। अगर 53 दे विचकार 7 नू ऐड करांगे तो आंसर की आ जाएगा जी 60, राइट। तो 60 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। आई होप तुहानू समझ आया होगा। देखो मैं जो तुम टाइप्स करवा रहा वो पिछले देखो एक क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट एक पॉइंट है जो कोई नवा स्टूडेंट देख रहा है तो एटलीस्ट उन्होंने पता होना चाहिए कि नंबर सीरीज के विचकार एक्चुअली वर्किंग की है। बेसिकली नंबर सीरीज के विचकार मैक्सिमम क्वेश्चन जोड़े हैं वो थोड़ा डिफरेंस लैके ही खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंस नाल ही निकल जाते हैं, और जो अल्टरनेट क्वेश्चन ने वो बाकी भी मैं डिस्कस करता रहूँगा थोड़े ना, राइट। चैनल नू सब्सक्राइब जरूर कर दियो, वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो ता जो हर बच्चे नू जिस बच्चे नू जरूरत है, ठीक है, वो हेल्पफुल रहे इस वीडियो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हर बच्चे लिए वीडियो हेल्पफुल होनी चाहिए है, जो बच्चे घर बैठे हैं वो तैयारी कर सकते हैं। देन वी हैव अ क्वेश्चन मार्क एंड देन साडे कोल आएगा जी 90। कोशिश करो ट्राई करो क्वेश्चन एक बार करने के लिए खुद तो। देखो ये विचकार की हो रहा है, देखो जिससे डिफरेंस लेना है आप डिफरेंस लाँगे, जिससे डिफरेंस नहीं लेना उतने तुम्हें एक अलग चीज़ भी सिखाऊंगा, हर क्वेश्चन के विचकार तुम्हें अलग अलग चीज़ सीखने को मिलेगी, राइट। हूँ बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस नाल नहीं होएगा, इतने एक मल्टीप्लीकेशन चल रही है, राइट। मल्टीप्लीकेशन किमें चल रही है, ये 24 की मल्टीप्लाई की है जी 0.5 के नाल, अगेन सुनो 0.5 मीनस ये हाफ के नाल, अगर 24 नू हाफ नाल मल्टीप्लाई करांगे तो साडे कोल की आएगा 12 नू के मल्टीप्लाई किया 1 के नाल, पहला 0.5 दैन 0.5 वधाया 1 तो की आ गया 12, उस तो बाद ये मल्टीप्लाई की है 1.5 के नाल, अगर 12 की मल्टीप्लाई 1.5 के नाल करांगे तो की आएगा जी 18, मतलब 0.5 वधदा जा रहा है। उस तो बाद ये मल्टीप्लाई कर देंगे जी 2 नाल तो की आ जाएगा 18 2 36, दैन उस तो बाद आप मल्टीप्लाई कर देंगे 36 की 2.5 के नाल तो आंसर की आ जाएगा 90। तो मतलब कि जरा इतने आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 36, राइट। 36 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं जी, जिथे है 129 उस तो बाद दे रहे हैं जी तो मैं 128 क्वेश्चन तो डिली 124 115 99 and 74 देख रहे हैं तुम सारा, इस तो बाद क्वेश्चन मार गया, ठीक है। ट्राई करो जी एक बार क्वेश्चन खुद तो, ठीक है। नहीं होता तो क्वेश्चन जब वीडियो में पॉज कर लिया करूँ,
तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हुनर रवांगे जी एक डिफरेंस, मैं तुम्हें सारे कंसेप्ट समझाई जाऊंगा नॉर्मल। डिफरेंस है जी 1, 4, 9, 16, 25। जरा ध्यान ना देखो इन नंबर्स तो कुछ तुम्हें आइडिया हो रहा होगा। ये की चल रहे स्केयर्स है, 1 का स्केयर 2, 3, 4, 5 ऑब्वियस गाइस। तो बाद क्या आएगा जी 6 का स्केयर 36। और जेडी ए सीरीज है वो डिक्रीजिंग फॉर्म च है, केडी फॉर्म च है जी डिक्रीजिंग फॉर्म च करते जा रहे हैं। अगर 74 चो 36 नो माइनस करोगे ठीक है, 14 जो 6 गए जी 8, 6 जो 3 गए 38, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 38 विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए था सी। एक बार ऑप्शन दोबारा चेक कर रहे हैं, 74 जो 36 करने हैं राइट, 14 जो 6 गए 8, 6 जो 3 गए ओके जी। बेसिकली की चल रहा है डिफरेंस जो ऊपर चल रहे हैं, समझ आ गया होगा। ऑप्शन तुसी पुट कर लो, जस्ट सिंपली क्वेश्चन है नथिंग एल्स। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे ला के देना जी, तुम एक बार खुद तो ट्राई करो। टाइम लो एक बार खुद तो ट्राई करो तुम। एक बार खुद तो ट्राई करो जी। देखो इस क्वेश्चन के विचकार भी सिंपली तुसी मल्टीप्लाई ही करना है। मल्टीप्लाई किवें है, 2 की मल्टीप्लाई 1.5 दे नाल। अगर 2 की मल्टीप्लाई 1.5 दे नाल करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है जी जिस करके आवाज़ आ रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लियो। इतने भी मल्टीप्लाई डिफरेंस लैन की जरूरत नहीं है, ये भी मल्टीप्लाई की फॉर्म है। जब तुम बेसिक वीडियो देखोगे तो उसे क्लीयर हो जाएगा कि मल्टीप्लीकेशन किमें का मैं समझाया ट्रिक्स। ठीक है ये मल्टीप्लाई फॉर्म च है, 1.5 3 आएगा, अगे मल्टीप्लाई 2 गिव यर 6, अगे 2.5 ना मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, देन 3 ना मल्टीप्लाई करोगे 45 आएगा, देन अगे मल्टीप्लाई कितना करोगे 3.5 दे नाल, तो आंसर आ जाएगा जी 157.5। बेसिकली ए भी मल्टीप्लाई दी सीरीज ही सी, दैट्स इट। तो ऑप्शन नंबर आ जाऊगा 157.5 राइट। कैलकुलेशन नु अपनिया स्पीड मैटर करती है जी, कैलकुलेशन जिन्नी फास्ट करोगे उन्नी जल्दी आंसर आएगा राइट। नंबर सीरीज के नाल कैलकुलेशन बहुत स्ट्रोंग होंदिया ने। चलो जी नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैं प्रैक्टिस लिए करवा रहा जी, जिस तरह थोड़ा टच जो बना रहेगा नंबर सीरीज के नाल। नैक्सट करते हैं 2, 7, 17, 37, 77 आ एक नंबर सीरीज है, तुसी ट्राई करो एक बार क्वेश्चन नू। देखो इस दे विचकार की हो रहा है, जिथे भी मैं क्वेश्चन लिखा तुसी वीडियो नू पॉज कर लिया करो एक बार, ते नाल दे नाल अटैम्प्ट करन दा ट्राई करिया करो, पेन पेपर नाल रखो, कैलकुलेशन तुहाडियां स्टिल दियां होणगियां। डिफरेंस चेक करांगे इस बार 5, 10, 20, 40 देन अगे की आएगा जी 80। अगर 77 दे विचकार 80 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 157 इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली की हो रहा है डबल होंदा जा रहा है, डिफरेंस जो है वो डबल होंदा जा रहा है और कुछ नहीं है दे विचकार। ठीक है तो आंसर आ जाएगा जी 157 इज द करेक्ट आंसर। हर टाइप आप क्लीयर करांगे नंबर सीरीज की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी। मैक्सिमम क्वेश्चंस तुसी जेने हैं जी वो डिफरेंस के नाल ही करने हैं। डिफरेंस देखते हैं 2, 6, 12 देन आ जाएगा 20 देन आ रहा है जी साढ़े को 30 राइट, 52 तो बाद 30 हाँ जी। ठीक है चेक कर दे डिफरेंस, अगर डिफरेंस चेक करिए इसको कहने डबल डिफरेंस, इस बार डबल डिफरेंस चेक करांगे। सी इस सीरीज तो कुछ नहीं मिला सानू,
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲੀ 4 6 8 10 ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਅੱਗੇ 12 ਅਗਰ 12 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 42 ਔਰ 82 'ਚ ਅਗਰ 42 ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 124 ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ 124 ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ 1 4 27 16 ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊਬ ਸਕੇਅਰਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਦੇਖੋ 1 ਦਾ ਕਿਊਬ 1 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 5 ਦਾ ਕਿਊਬ 6 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 7 ਦਾ ਕਿਊਬ ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 343 ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 1 ਦਾ ਕਿਊਬ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 5 ਦਾ ਕਿਊਬ 6 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਐਂਡ 7 ਦਾ ਕਿਊਬ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਓਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ 4 9 16 25 ਦੈਨ 36 ਅਗੇਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਸਕੇਅਰਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 4 5 6 ਦੈਨ 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ 49 ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ 121 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 49 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ 4 2 6 ਪਲੱਸ 1 7 ਇਟਸ 170 ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ 170 ਰਾਈਟ ਸਕੇਅਰਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ 1 3 ਦੈਨ ਹੈ 4 7 11 18 and 29 ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਰੋ ਖੁਦ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਬਸ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਰਾਈਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਿੰਪਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 3 + 1 ਗਿਵ ਇਟਸ 4 ਅਗੇਨ ਸੁਣੋ 3 + 1 4 4 + 3 7 7 + 4 11 11 + 7 18 18 + 11 29 ਦੈਨ 29 + 18 ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 47 ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕਿਆ ਆ ਜਾਏਗਾ 47 ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰ ਮੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ